मेरे को अपने आप पे कुछ ज़्यादा ही आजकल प्राउड फील होने लगा है मुझे, क्योंकि आजकल यार मैं बहुत ज़्यादा काम करने लगा हूँ, कुछ ज़्यादा ही काम करने लगा। पहले तो मैं कुछ काम नहीं करता था। ए दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रोहित कुमार एंड यू आर वॉचिंग गैलेक्सी ऑफ रोहित। अगर आप लोगों को ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी अपनी ट्रेनिंग से आ रहा हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 2। सब सोए हुए हैं, ये देखो नज़ारा। तो अभी मेरा हो गया डिपार्टमेंट चेंज और अभी मेरा लगा है बैंक्वेट। तो बैंक्वेट में अक्सर नाइट में ही शिफ्ट लगती है, क्योंकि शादी, रिसेप्शन, पार्टी, सेमिनार्स वगैरह रात में ही होते हैं, तो इसीलिए नाइट शिफ्ट है। और अभी 2 बजे मैं शिफ्ट से आ रहा हूँ। तो बैंक्वेट में होता क्या है बेसिकली, ये भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी मैं बहुत टायर्ड हूँ, पहले सो जाता हूँ और मैं मिलता हूँ आपको सीधा सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। सो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डेट 5th of January 2020 और कल रात को मैं 2:30 बजे आया हूँ अपने होटल से। तो मैंने आपको रात में ही बता दिया था कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो सीधा सुबह मिलते हैं। तो अभी अभी जस्ट मैं उठा हूँ और अभी अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं शायद, और मैं मिलता हूँ आपको अभी ब्रश करके, फ्रेश होके अभी मिलते हैं। तो दोस्तों, बातों को कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने रूम के बाहर का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ, तो वो रूम के बाहर का नज़ारा आप एंजॉय करो। ये खोला मैंने गेट, ये है कुछ बाहर का सीन। अब रूम में चलते हैं। तो पहले मैं अपने फोन को माउंट कर लेता हूं, उसके बाद बातों को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, कि जैसा आपने वीडियो में पहले देखा होगा, मैं लगभग 2 या 2:30 बजे आया था अपने होटल से। 2:30 बज गए थे, 2 बजे तो मैं होटल से निकला था और रूम पे आने में मुझे लगभग 2:30 बज गए थे। और बेसिकली बात यह है कि मेरा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया है और मैंने बैंक्वेट ज्वाइन करा है। तो बैंक्वेट में मुझे 3-4 दिन हो गए हैं, और बैंक्वेट में बात यह है कि जो मीटिंग, सेमिनार्स वगैरह तो दिन में हो जाते हैं, तो दिन में भी उतना रश रहता है, बट जो हैवी रश रहता है वो रात में रहता है, क्योंकि रिसेप्शन, रिंग सेरेमनी, शादी, ये सारी चीज़ें रात में ही होती हैं और लोग भी ज़्यादा होते हैं। 300, 500, 800 ऐसे ऐसे लोग आते हैं, तो इस तरह से ज़्यादा थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है बैंक्वेट में। और बेसिकली बैंक्वेट में होता क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सपोज करो कि किसी के घर में शादी है, तो और आप उस घर के एक मेंबर हो, तो घर की शादी की सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाती हैं, तो और आपको ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। गेस्ट को कैसे, कहाँ पे खाना कैसे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, सारी चीज़ें अरेंजमेंट कैसे होंगी, टेंट वाले कहाँ पे, चेयर्स कैसे अरेंजमेंट होते हैं, बार कैसे सेट होगा, बुफे कैसे सेट होगा, तो ये सारी चीज़ें होती है बैंक्वेट में। तो हमारे होटल में वैसे 3 हॉल हैं, तो एक साथ 3 शादियां हो सकती हैं। तो बैंक्वेट में होता यह है कि अगर एक हॉल में अगर रश कम है या फिर वर्कलोड कम है, तो फिर आपको दूसरे हॉल में भेज दिया जाता है ताकि आप वहाँ पे जाके काम करो, लेकिन खाली खड़े नहीं रहना है। इसलिए मुझे बैंक्वेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले मैं सोच रहा था हाउसकीपिंग अच्छा नहीं है, लेकिन यार बैंक्वेट से तो बहुत अच्छा है हाउसकीपिंग। कम से कम उसमें आराम से अपने रूम में काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे है कि गेस्ट के सामने आप बैठ भी नहीं सकते हो, या फिर मतलब कोई चीज़ें नहीं कर सकते हो, और एकदम हमेशा आपको डिसिप्लिन में ही रहना पड़ता है बैंक्वेट में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक दिन मैं हाउसकीपिंग में, जब मेरा डिपार्टमेंट था तो रूम में बैठा था, उसने ज़्यादा कुछ काम नहीं था, तो मैंने कुछ ऐसे ही बिना मतलब की वीडियोस रिकॉर्ड करी थी, तो वो देखूं। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और 4:40 हो रहे हैं और मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है 4 बजे। लेकिन अब क्या बताऊँ, मैं बिल्कुल परेशान हो गया। अभी तक इन लोगों ने फिर से मेरी 2 घंटे ड्यूटी एक्सटेंड कर दी, तो अब मैं ड्यूटी करूँगा 6 बजे तक।
रोज का यही यार है इस डिपार्टमेंट में, रोज 2 घंटे लेट, रोज 2 घंटे लेट, दिमाग तो खराब हो गया। और पूरे रूम में अकेले, पूरे फ्लोर पे अकेले, पूरे चारों फ्लोर पे सिर्फ 2 लोग, मैं और ऊपर शर्मा जी, 2 लोग मिलके चारों फ्लोर देखेंगे। अभी सिर्फ टर्न डाउन सर्विस दे देते हैं, उसके बाद देखता हूँ आगे क्या होता है, उसके बाद अपडेट देता हूँ नेक्स्ट। अगर कोई मेरी वीडियो को हॉस्पिटैलिटी का स्टूडेंट देख रहा है तो यार प्लीज सारे डिपार्टमेंट में चले जाए, लेकिन हाउसकीपिंग में बिल्कुल भी मत आना, दिमाग खराब हो जाता है। मैं अभी अकेले बैठा हुआ हूँ पूरे रूम में, हेल्प के लिए भी कोई नहीं है, पूरे रूम की, पूरे फ्लोर की जिम्मेदारी सिर्फ अकेले मेरी है, पेंट्री की कार्ड की सारी चीज़ें मेरे पास है, और सिर्फ ऊपर एक हैं शर्मा जी, वो गए ऊपर वाले फ्लोर को देखने, और मैं इस फ्लोर पे अकेले बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल भी मत चुनना हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को, F&B चले जाओ, वहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ दिमाग मेरा ख़राब हो गया, 1 महीने से यहीं से अटका पड़ा हो, पता नहीं कब करेंगे मेरा डिपार्टमेंट चेंज, तब तक बैठे रहो बस। और आप लोग मेरी वीडियोस को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, मुझे पता है, तो लाइक कर दिया करो, मुझे लगता है कि मैं लाइक को डिजर्व करता हूँ, तो लाइक कर दिया करो। और मैं इस अपने होटल की पेंटिंग सिखाता हूँ, कुछ कुछ अजीब टाइप की पेंटिंग से ली, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है हमारे होटल की, अभी दिखा रहा हूँ। यू नो वॉट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि लोग पैसे दे के आते हैं हमारे होटल में रहने के लिए, 1-2 नाइट स्पेंड करने के लिए, लेकिन हम फ्री में पैसे लेके और होटल में दिन भर रहते हैं। और कुछ चीज़ें जल्दी सीखने के डिसएडवांटेजेस या नुकसान भी होते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ है, मैंने बहुत जल्दी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की सारी चीज़ें सीख ली थी, तो अब टाइम है कि मेरा डिपार्टमेंट चेंज होने वाला था, तो कल डेट है 3rd of January, तो 3rd से चेंज होने वाला था, लेकिन सर ने बोला नहीं तुझे जाने नहीं देंगे, तुझे 1 हफ्ते और रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि होटल में बहुत ज़्यादा लोड है, तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही सुपरवाइज़र हूँ इस फ्लोर का। तो ठीक है, 1 हफ्ते और रुकने की बात है, उसके बाद डिपार्टमेंट मेरा चेंज होगा, इसके बाद मैं जाऊँगा बैंक्वेट में, और बैंक्वेट में सिर्फ 2 दिनों का है, और उसके बाद मैं जाऊँगा कॉफ़ी शॉप में। तो अच्छा है यार कि सुपरवाइज़र को मेरे पे ट्रस्ट है और मैंने अच्छे काम करे हैं, तो डिजर्व करता हूँ। मेरे को अपने आप पे कुछ ज़्यादा ही आजकल प्राउड फील होने लगा है मुझे, क्योंकि आजकल यार मैं बहुत ज़्यादा काम करने लगा हूँ, कुछ ज़्यादा ही काम करने लगा, पहले तो मैं कुछ काम नहीं करता था, बस टीवी रिमोट हाथ में लिया और डिस्कवरी चैनल ऑन किया, आराम से बेड पे बैठ के डिस्कवरी देखते रहो, एनिमल प्लैनेट देखते रहो, नेट जियो देखते रहो। लेकिन आजकल 12-12, 13-13 घंटे काम, ऊपर से आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाओ, उसको रूम पे जाके एडिट भी करो। यू नो व्हाट कि मैं एडिट कैसे करता हूँ, मैं रूम पे जाता हूँ, अपना फ़ोन चार्ज पे लगाता हूँ और सारी वीडियोस को क्रॉप कर देता हूँ, और उसमें म्यूज़िक ऐड नहीं करता हूँ, पहले एडिट करके और आराम से सो जाता हूँ, फिर जब उठता हूँ तब तक मेरा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया रहता है, तो फिर उसको अपलोड करने के लिए मुझे रूम के बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे रूम में इंटरनेट की स्पीड भी बहुत स्लो है, तो इंटरनेट को यूज़ करने के लिए मुझे रूम के बाहर लगभग 600-700 मीटर तक पैदल टहलना पड़ता है आप लोगों की वजह से। तो आजकल मेरे पे कुछ ज़्यादा ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्स मेरे अंदर से निकलने लगी है, मेरे को ही लेके, तो ये मुझे लगता है एक अच्छी बात है, और मेरी आदतों में थोड़ा सुधार आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, आप लोगों के लिए पता नहीं। यार एक और बात कि तुम लोगों को तो पता भी नहीं है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ वीडियो को बनाने में, इसीलिए तुम लोग लाइक नहीं करते हो, मुझे पता है। ठीक है, चलता है, और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और स्टूडेंट्स जितने ज़्यादा हो सकते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको हॉस्पिटैलिटी के बारे में कुछ नॉलेज मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Can get you off of my mind. Are you still thinking?